नमस्कार मु तन्मय गुर्मा आज विज्ञान कायसे आपण मानक स्वागत करुछि। कायस आरंभ करबा पूर्व प्रथम ब्रह्मनाद करबा। शरीर वृद्धि करे क्यों खाद्य सारा शरीर वृद्धि करे जीव सारा शरीर वृद्धि और स्वास्थ्य रक्षा निम्ते जीव सारा एकांत आवश्यक। जीव सारा शरीर वृद्धि करे रोग को प्रतिरोध करिबारे सहाय्य करे क्यों खाद्य सारा रोग प्रतिरोध करे जीव सारा जीव सारा आम शरीर रे रोग को प्रतिरोध करिथाय। दांत हाड़ और रक्त गठन रे सहाय्य करे क्यों खाद्य सारा दांत हाड़ रक्त गठन रे सहाय्य करे धातु सारा दांत हाड़ और रक्त गठन रे सहाय्य करे। शरीर गठन रे मुख्य भूमिका निथाय क्यों खाद्य सारा शरीर गठन रे मुख्य भूमिका निथाय पुष्टि सारा पुष्टि सारा शरीर गठन रे मुख्य भूमिका निथाय। क्यों खाद्य सारा अच्छे ता लिखिबा माछ माछ रे क्यों खाद्य सारा अच्छे पुष्टि सारा कमला जीव सारा डाली पुष्टि सारा नड़िया स्नेह सारा रुटी श्वेत सारा अंडा पुष्टि सारा आंबो जीव सारा बिस्कुट श्वेत सारा दही स्नेह सारा बंधा गोभी जीव सारा लहुणी स्नेह सारा मटर छुई पुष्टि सारा महु श्वेत सारा मांडिया धातव लवण लुण धातव लवण मुग पुष्टि सारा मुग बीरी पुष्टि सारा चूना माछ धातु सारा धातव लवण।
जीवसार जातीय खाद्य न खाइले कौन हे आम शरीर रे जीवसार कार्य कौन जीवसार आम शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि करे शरीर वृद्धि और स्वास्थ्य रक्षा निम्ते जीवसार एकांत आवश्यक जदि आम जीवसार जातीय खाद्य खाइबा नहीं ताहले आमर रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी जीव रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी जीव रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी गले कौन हे विभिन्न प्रकार रोग हे विभिन्न प्रकार रोग हे विभिन्न प्रकार रोग हेले आम शरीर ठीक भाव वृद्धि हो पार कि शरीर वृद्धि हो पार ना श्वेत सार जातीय खाद्य खाइबा बंद करदे कौन हे श्वेत सार आमको कौन जगाए कार्य करिबा पई शक्ति जगाए जदि आम श्वेत सार जातीय खाद्य खाइबा बंद करदेबा ताहले कौन हे आमको कार्य करिबा पई शक्ति मिलिबनी आम दुर्बल हो जिबा श्वेत सार जातीय खाद्य खाइबा बंद करदेले कार्य करिबा पई शक्ति मिलिबा नहीं आमे दुर्बल हो जिबा जदि आमे जीवसार जातीय खाद्य न खाइबा ताहले आम शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी जीव फळरे आमको विभिन्न प्रकार रोग हेबो एवं आम शरीर ठीक भाबरे वृद्धि हो पारिबो नाही श्वेत सार जातीय खाद्य खाइबा बंद करदेले आमको कार्य करबा पई शक्ति मिलिबा नहीं आमे दुर्बल हो जिबा केउ प्रकार खाद्य को सुषम खाद्य कहंती सुषम खाद्य काहाको कहा जाए बयस अनुसार आम शरीर पर जो सब खाद्य जी परिमाण में आवश्यक हुए से ही खाद्यर समष्टि को सुषम खाद्य कहा जाए बयस अनुसार आम शरीर पर जो सब खाद्य जितिक परिमाण रे आवश्यक हुए सही खाद्यर समष्टि को सुषम खाद्य कहा जाए बयस अनुसार आम शरीर पर जो सब खाद्य जी परिमाण में आवश्यक हुए से ही खाद्यर समष्टि को सुषम खाद्य कहा जाए बयस अनुसार यह खाद्यर परिमाण समस्त मध्य बदली थाए बयस स्त्री पुरुष आमिषाशी निरामिषाशी समस्त मध्य खाद्यर परिमाण बदली थाए तुम्हें खाऊ खाद्यर नाम लेख और से खाद्य सारर नाम रुटी भात सेथिरु केउ खाद्य सार मिले श्वेत सार डाली पुष्टि सार विभिन्न फल और पनीपरिबा
ଜୀବ ସାର ଚୁନା ମାଛ ଧାତୁ ସାର ଘିଅ ତେଲ ସ୍ନେହ ସାର ଆମେ ଖାଉଥିବା ଫଳ ପନିପରିବା ଏହିସବୁରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଦରକାର? ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଦରକାର? ଆମ ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିସାରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମ ଶରୀର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଶରୀର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମ ଶରୀରରେ ସ୍ନାୟୁ, ଚର୍ମ, ନଖ ଓ ବାଳ ଗଠନ କରିଥାଏ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମ ଶରୀରରେ ସ୍ନାୟୁ, ଚର୍ମ, ନଖ ଓ ବାଳ ଗଠନ କରେ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଶରୀରର କ୍ଷୟ ପୂରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶରୀରର କ୍ଷୟ ପୂରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମ ଶରୀର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶରୀରର ସ୍ନାୟୁ, ଚର୍ମ, ନଖ ଓ ବାଳ ଗଠନ କରେ। ଆମ ଶରୀରର କ୍ଷୟ ପୂରଣ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟି ବାଛି ଲେଖ। ଭାତ, ରୁଟି, ଚୁଡା, ଡାଲି କେଉଁଟି ଅଲଗା ହେବ? ଡାଲି, କାହିଁକି ନା ଡାଲି ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଭାତ, ରୁଟି, ଚୁଡା ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ତେଣୁ ଡାଲି ଅଲଗା ହେବ। ଚିନା ବାଦାମ, ସୋୟାବିନ, ତେଲ, ଘିଅ କେଉଁଟି ଅଲଗା ହେବ? ସୋୟାବିନ। ଚିନା ବାଦାମ, ତେଲ, ଘିଅ ଏସବୁ ହେଉଛି ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ସୋୟାବିନ ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ପିଜୁଳି, ଅଁଳା, କ୍ଷୀର, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା କେଉଁଟି ଅଲଗା ହେବ? କ୍ଷୀର। କ୍ଷୀର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। କ୍ଷୀରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟସାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିଜୁଳି, ଅଁଳା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଏସବୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ଜୀବସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଶିଶୁ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଏକ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି? ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବୟସ ଅନୁସାରେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସେହି ଖାଦ୍ୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି କ୍ଷୀରରୁ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଖାଦ୍ୟସାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ତାହା ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ହେଉଛି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। କ୍ଷୀରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟସାର ଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଏକ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।